तो दोस्तों बिहार बोर्ड से जो भी छात्र छात्राओं ने मैट्रिक इंटर का बोर्ड परीक्षा 2021 में दिए हैं उन तमाम सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए बिहार बोर्ड की तरफ से बहुत ही बड़ी जो है खुशखबरी निकल कर आ रही है, क्योंकि जो है आप लोगों की कॉपी की जांच जो है यहां पर आज से जो है शुरू कर दिया गया है। बिहार बोर्ड द्वारा जितने मूल्यांकन सेंटर बनाए गए हैं कल के डेट में बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर द्वारा जो है यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी केंद्र पर जो है यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिशा निर्देश जो यहाँ पर जारी करते हुए जो यहाँ पर आज से जो है यहाँ पर कॉपी की जांच जो यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। जो भी आप लोगों की कॉपी जांच होगी यहाँ पर पुलिस बल की निगरानी में होगी, क्योंकि बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर ने यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल के डेट में यहाँ पर साफ साफ जो है सभी केंद्र पर दिशा निर्देश जारी कर दिया कि जो भी यहाँ पर कॉपी की जाँच होगी पुलिस बल की निगरानी में होगी और यहाँ पर कोई भी वीक्षक एवं शिक्षक एवं कोई भी यहाँ पर जो है केंद्राधीक्षक यहाँ पर मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक सामान सब जो है नहीं रखेंगे और कोई भी यहाँ पर बिना पूछताछ किए जो है यहाँ पर मूल्यांकन केंद्र में जो है प्रवेश नहीं करेंगे। साफ साफ जो यहाँ पर आदि जो है यहाँ पर बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर ने यहाँ पर साफ साफ जो है दिशा निर्देश जारी कर दिया। आप लोगों की कॉपी जो है किस किस केंद्र पर जो है जांच किया जाएगा, किस केंद्र पर कितने कॉपी की जांच होगी, सारा जानकारी को जो है इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप जो है आप लोगों की विस्तार से बताने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा तभी जो आप लोग स्टेप बाय स्टेप जो है आप लोग डिटेल में समझ पाएंगे। इससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी छात्र छात्राओं तक पहुंच सके। और अभी तक आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े तो आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए और बगल में बेल घंटी आ जाएगा उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे, आप लोग देख सकेंगे। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से जो है सारी की सारी जो है बिहार बोर्ड की जो भी यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है सारी खबर को जो है यहाँ पर एक एक कर जो है विस्तार से इस वीडियो में जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों की मैं नहीं समझाने वाला, क्योंकि जो यहाँ पर चार पाँच जो है सबसे बड़ी खबर जो है बिहार बोर्ड की तरफ से निकल कर आ रही है जो आप लोगों की जान लेना यहाँ पर काफ़ी बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर फर्स्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों की यहाँ पर जानकारी दे देता हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरीका से जो है आप लोग स्टेप बाय स्टेप जो है आप लोग समझ पाए। जैसे मैं यहाँ पर देख सकते शांतिपूर्ण वातावरण में परीक्षा संचालन के लिए केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस तैनात। अब देखिए यहाँ पर इंटर की कॉपियों की जांच जो है आज से शुरू है। जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं जो भी यहाँ पर आप लोगों की कॉपी की जांच जो आज से की जाएगी आज से शुरू है वे जो है यहाँ पर पुलिस बल के निगरानी में होगी, दांडा अधिकारी के निगरानी में होगी, सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में होगी। वहाँ पर कोई भी शिक्षक एवं कोई भी परीक्षक एवं कोई भी वीक्षक एवं कोई भी केंद्राधीक्षक जो वहाँ पर कोई भी यहाँ पर मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक सामान सब जो है नहीं रखेंगे, अन्यथा जो है कानूनी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने यहाँ पर साफ साफ जो है यहाँ पर बता दिया, कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है सभी केंद्र पर जो यहाँ पर बात हुई। जिले में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के उत्तर पुस्तिकाओं का 5 मार्च से शुरू होने वाली मूल्यांकन कार्य की प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। बोर्ड द्वारा जिले में 3 केंद्र जो है यहां पर बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर बिहार बोर्ड के गाइडलाइंस के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण वातावरण में मूल्यांकन कार्य जो है यहाँ पर संचालित कराने के लिए दंडा अधिकारी के नेतृत्व में जो है यहाँ पर पुलिस बलों की जो है तैनाती की गई है। पूरे प्रदेश भर की बात करें तो 130 केंद्र जो है 2021 कॉपी जांच के लिए जो यहाँ पर 130 केंद्र जो है बनाए गए हैं। 130 केंद्र पर जो है यहाँ पर आज से यहाँ पर कॉपी की जांच जो यहाँ पर शुरू है। जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं सभी केंद्र पर जो है दांडा अधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बलों की तैनाती की गई है यहाँ पर सभी केंद्र पर, और सीसी कैमरे की निगरानी में भी जो है यहाँ पर कॉपी की जाँच होगी ताकि जो आप लोगों की कॉपी जाँच करते वक्त जो यहाँ पर कोई भी अनियमितता एवं कालाबाजारी एवं धांधली नहीं किया जाए, इसको लेकर यहाँ पर बिहार बोर्ड के अध्यक्ष जो है ये फैसला लिया है। बोर्ड द्वारा जिले में इंटर परीक्षा की मूल्यांकन के लिए एमआरडी गर्ल्स हाई स्कूल सीतामढ़ी, कामला गर्ल्स हाई स्कूल डुमरा एवं हाई स्कूल बरियारपुर को केंद्र जो है यहां पर बनाया गया है कॉपी जांच करने के लिए। और डीओ सचिंद्र कुमार ने बताया कि संबंधित स्कूलों के हेडमास्टर सह मूल्यांकन केंद्र निदेशक को स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण वातावरण मूल्यांकन कार्य संचालन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जो यहाँ पर दिया गया है। मूल्यांकन केंद्रों पर बिना अनुमति की प्राप्त कोई भी व्यक्ति के जो है यहाँ पर प्रवेश पर रोक लगाई गई है, यानी कि जो भी आप लोगों की कॉपी जांच होगी जिस केंद्र पर उस केंद्र पर जो कोई भी यहाँ पर फालतू यहाँ पर कोई भी कर्मी जो यहाँ पर प्रवेश नहीं करेंगे, बिना पूछताछ किए यहाँ पर कोई भी यहाँ पर कर्मी जो है वहाँ पर कोई भी केंद्र अधीक्षक कोई भी वीक्षक कोई भी यहाँ पर शिक्षक जो है वहाँ पर प्रवेश नहीं करेंगे उस पर जो है बिहार बोर्ड द्वारा जो है पूरी तरीके से जो यहाँ पर रोक लगाई गई है कि कोई फालतू आदमी जो है
केंद्र में जो यहाँ पर प्रवेश नहीं करेंगे, अन्यथा जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मूल्यांकन कक्ष में परीक्षक एवं सह परीक्षकों को मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के उपयोग पर रोक लगाई गई है। अगर इस पर जो है यहाँ पर रोक लगाई गई है, कोई भी यहाँ पर केंद्र अधीक्षक भीक्षक शिक्षक जो यहाँ पर इसका उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर पूरी तरीके से जो यहाँ पर बिहार बोर्ड द्वारा जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड द्वारा नियुक्ति परीक्षकों एवं प्रधान परीक्षकों को समय पर जो संबंधित केंद्रों पर योगदान सुनिश्चित करने का यहाँ पर निर्देश दिया गया है। यानी कि जो भी यहाँ पर आप लोगों की शिक्षक जो यहाँ पर कॉपी की जांच करेगी, यहाँ पर सभी शिक्षकों को यहाँ पर योगदान सुनिश्चित करने का जो यहाँ पर दिया गया है। प्रधान परीक्षकों को जो यहाँ पर समय पर जो संबंधित केंद्रों पर योगदान यहाँ पर सुनिश्चित करने का जो यहाँ पर निर्देश दिया गया है। बहुत ऐसे शिक्षक जो है कल यानी कि कल एक जो है यहाँ पर अपने अपने जो है केंद्र पर पहुँच गए हैं कॉपी जाँच करने के लिए, और बहुत सारे शिक्षक जो है यहाँ पर आज जो यहाँ पर 8 बजे तक जो है अपना सीट ग्रहण कर लेंगे मूल्यांकन केंद्र पर, और आप लोगों की कॉपी की जाँच जो यहाँ पर 9:30 से जो है आज जो है यहाँ पर शुरू हो जाएगी। जैसे में मूल्यांकन कार्य में नियुक्ति के बावजूद बिना कारण योगदान नहीं करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध जो यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो भी यहाँ पर शिक्षक जो यहाँ पर फैसला ले लिया है कि हम लोग जो यहाँ पर कॉपी जाँच करेंगे और मूल्यांकन कार्य में नियुक्ति के बावजूद जो है अगर बिना कारण जो है यहाँ पर योगदान नहीं करने वाले जो है शिक्षकों के विरुद्ध जो यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो भी शिक्षक द्वारा जो है कहा गया है कि हम लोग कॉपी जाँच करेंगे, वे शिक्षक जो यहाँ पर योगदान नहीं देंगे तो उन पर जो यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी बिहार बोर्ड द्वारा। यहाँ पर जैसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि स्थानीय स्तर पर भी परीक्षकों की होगी तैनाती। जैसे में यहाँ पर देख सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि जिले के 3 केंद्रों पर 5 मार्च से हो रही इंटर परीक्षा की कॉपी जांच कार्य में आवश्यकता के अनुसार जो है बोर्ड द्वारा नियुक्ति परीक्षकों के अलावा जो है स्थानीय स्तर पर भी परीक्षकों को वह सह परीक्षकों की नियुक्ति की जा सकेगी, लेकिन इसके लिए मूल्यांकन केंद्र निदेशक OMTO से जो है अनुमोदन प्राप्त करना जरूरी है। यह जानकारी गुरुवार को जो है शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर DMDO को एवं मूल्यांकन केंद्र निदेशक को जो है यहाँ पर दी गई है। यानी कि यहाँ पर सारा का सारा दिशा निर्देश जो है आने की गुरुवार के डेट में जो यहाँ पर सभी केंद्र अधीक्षक एवं DMDO कार्यालय को जो है यहाँ पर बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर द्वारा जो है यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी को जो यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किया कि कलेक्ट्रेट में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने मूल्यांकन केंद्र पर की गई तैयारी की जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मूल्यांकन कार्य सुबह 9:30 से शाम 5 बजे तक किया जाना है। यानी कि यहाँ पर बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने यहाँ पर जितने यहाँ पर मूल्यांकन केंद्र यानी कि प्रदेश भर में 130 मूल्यांकन केंद्र जो है यहाँ पर बनाया गया है, सारा मूल्यांकन केंद्र पर जो यहाँ पर कल के डेट में जो यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहाँ पर जानकारी ली और अपना दिशा निर्देश जारी किया, और यहाँ पर साफ साफ बताया कि सुबह 9:30 से शाम 5 बजे तक जो है कॉपी का मूल्यांकन किया जाना है, लेकिन कोई भी परीक्षक यदि स्वेच्छा से चाहे तो 7 बजे तक जो है मूल्यांकन कार्य कर सकते हैं। यानी कि ये भी जो है बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि अगर कोई भी शिक्षक यहाँ पर चाहे अपना मर्जी से यहाँ पर जो भी शिक्षक यहाँ पर अपना इच्छा अनुसार अपना स्वेच्छा अनुसार अपना सुविधा अनुसार चाहे तो वे जो है यहाँ पर 7 बजे जो है यहाँ पर कॉपी की मूल्यांकन कर सकेंगे अपना इच्छा अनुसार। जो भी शिक्षक के यहाँ पर इच्छा होंगे कि मैं 7 बजे तक कॉपी की जांच करेंगे, वे जो है अपना इच्छा अनुसार जो यहाँ पर 7 बजे तक कॉपी की जांच कर पाएंगे। ये भी जो है बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बता दिया। आप लोग को पता होंगे कि कुछ दिन पहले जो यहाँ पर जारी किया गया था कि यहाँ पर 9:30 से जो है यहाँ पर कॉपी की जांच शुरू होगी, जो यहाँ पर 9:10 तक जो है यहाँ पर कॉपी की जांच की जाएगी। इस फैसला को जो है बिहार बोर्ड ने यहाँ पर टाल दिया। अब जो यहाँ पर 9:30 से शाम 5 बजे तक कॉपी की जांच किया जाएगा, उसके बाद जो भी शिक्षक अपना इच्छा अनुसार चाहेंगे तो 7 बजे तक कर सकेंगे। और यहाँ पर जो है साफ साफ बताया गया है कि इसके लिए उन्होंने केंद्र निदेशक को केंद्र पर रोशनी समेत अन्य आवश्यक व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया गया। यानी कि लाइट बिजली व्यवस्था की सारा का सारा जो है केंद्र पर व्यवस्था करने की यहाँ पर दिया गया है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र में पर CCTV यहाँ पर जो है लगाने के प्रत्येक केंद्र पर जो है साथ साथ कंप्यूटर की व्यवस्था करने के एवं केंद्र पर प्रतिनियुक्ति भीक्षकों एवं MPP कर्मी की समय उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा। मूल्यांकन केंद्र पर जो है शांतिपूर्ण एवं स्वच्छ वातावरण में मूल्यांकन कार्य कराने का जो यहाँ पर निर्देश दिया गया। सारा का सारा व्यवस्था जो है बिहार बोर्ड द्वारा किया गया है। जैसे में यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि स्कूल के हेडमास्टर को DO ने इस बाबत दिया दिशा निर्देश, योगदान नहीं करने वाले शिक्षकों के खिलाफ होगी कार्रवाई। अब देखिए यहाँ पर जिले में जो यहाँ पर 3 केंद्रों पर जो है किया जाएगा मूल्यांकन। अब देखिए यहाँ पर अतिथि शिक्षक के बारे में यहाँ पर क्या दिशा निर्देश जारी किया गया कि अतिथि शिक्षक नहीं कर सकेंगे जाँच। जो भी यहाँ पर अतिथि शिक्षक होंगे वे जो है आप लोगों की कॉपी जाँच जो है यहाँ पर नहीं करेंगे। इसीलिए जो यहाँ पर जो फैसला लिया गया था 9:10 रात तक जो कॉपी जाँच की जाएगी, इसलिए जो यहाँ पर अतिथि शिक्षक
लिए जो यहाँ पर एक फैसला को टाल दिया गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने तकनीकी कारणों से इंटरमीडिएट की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य से अतिथि शिक्षकों को अलग रखा है। स्कूलों में नियुक्ति अतिथि शिक्षक इंटर मूल्यांकन में शामिल नहीं होंगे। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि अतिथि शिक्षक जो है इंटर की कॉपी जाँच करने के लिए जो यहाँ पर उसमें शामिल नहीं होंगे। शिक्षा विभाग के निर्देश पर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को अतिथि शिक्षक को अलग रखने का यहाँ पर निर्देश दिया गया है। जो भी यहाँ पर अतिथि शिक्षक होंगे वे जो है इससे बाहर रहेंगे, इससे अलग रहेंगे। अतिथि शिक्षकों को शैक्षणिक कार्य के अलावा कोई भी काम नहीं लिया जाएगा, साफ साफ जो यहाँ पर बताया गया है। और कंप्यूटर प्रशिक्षित शिक्षकों को यहाँ पर किया गया है मूल्यांकन केंद्र पर प्रतिनियोजित। जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं जो भी यहाँ पर कंप्यूटर चलाने वाले शिक्षक है उन सभी शिक्षकों को जो यहाँ पर प्रतिनियोजित किया गया है सभी केंद्र पर। जैसे जैसे आप लोगों की जिस जिस समय में जो भी सब्जेक्ट का आप लोगों की कॉपी जाँच होगी, जिस सब्जेक्ट में जितना अंक आएंगे यहाँ पर कंप्यूटर प्रशिक्षित शिक्षक जो है यहाँ पर आप लोगों की अंक जो है यहाँ पर नेट पर अपलोड करेंगे, यहाँ पर कंप्यूटर में अपलोड करेंगे कि आपको जो है इस सब्जेक्ट में इतना मार्क्स आया है। इससे जो आप लोगों की रिजल्ट जो है बहुत ही जल्द जो यहाँ पर तैयारी हो जाएंगे। आप लोगों को रिजल्ट भी बताने वाला हूँ किस डेट को घोषित किया जाएगा। इंटरमीडिएट परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य आज से शुरू हुआ है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य 5 मार्च से लेकर 15 मार्च तक जो है होगा। 15 मार्च तक जो है किसी भी हर हाल में इंटर की कॉपी की जाँच जो है समाप्त कर देनी है। वहीं मैट्रिक की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य 12 मार्च से लेकर 24 मार्च तक होगा। मैट्रिक की बात करें तो 12 मार्च से 24 मार्च तक किसी भी हर हाल में जो है मैट्रिक की कॉपी की जांच जो है समाप्त कर देनी। मूल्यांकन कार्य के लिए जिला में 3 जांच केंद्र जो है बनाए गए हैं। तीनों मूल्यांकन केंद्रों पर कंप्यूटर प्रशिक्षित शिक्षकों की प्रतिनियोजन किया गया है। यहाँ पर जितने यहाँ पर केंद्र बनाए गए सभी केंद्रों पर जो यहाँ पर कंप्यूटर प्रशिक्षित शिक्षकों की यहाँ पर नियोजन जो है यहाँ पर किया गया। जो भी शिक्षक का जो यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है, कंप्यूटर नॉलेज है, उन शिक्षकों को जो यहाँ पर नियोजन जो है किया गया है। प्रत्येक केंद्र पर साथ साथ कंप्यूटर प्रशिक्षित शिक्षकों को जो यहाँ पर प्रतिनियुक्ति किया गया है। यानी कि जो भी यहाँ पर केंद्र बनाए गए हैं 130 केंद्र प्रदेश भर में बनाए गए हैं। एक केंद्र पर जो यहाँ पर साथ साथ जो यहाँ पर कंप्यूटर प्रशिक्षित शिक्षकों को जो यहाँ पर प्रतिनियुक्ति जो है किया गया है। यानी कि एक केंद्र पर जो है 7 कंप्यूटर प्रशिक्षित यहाँ पर शिक्षक रहेंगे जो आप लोगों की अंक को जो यहाँ पर अपलोड करेंगे। जिले में इंटरमीडिएट कॉपी मूल्यांकन केंद्र पर MRD बालिका उच्च विद्यालय सीतामढ़ी, कमला बालिका उच्च विद्यालय डुमरा एवं उच्च विद्यालय बरियारपुर सीतामढ़ी को केंद्र जो यहाँ पर कॉपी जाँच करने के लिए यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर ये नोटिफिकेशन तो समाप्त हो गई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी यहाँ ये नोटिफिकेशन निकल कर आ रही है कि यहाँ पर देखिए किसी केंद्र पर 35 तो कहीं पर 97 MPP। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर आप लोग इसका मतलब समझ लीजिए। कहीं 56,000 कॉपी पर 35 तो कहीं 97 MPP दिए गए हैं। यानी कि यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि 56,000 कॉपी पर कहीं पर जो है 35 तो कहीं पर जो है 97 MPP जो यहाँ पर दिए गए। इंटर कॉपी जांच में परीक्षकों के साथ ही MPP की संख्या में अलग अलग केंद्र पर जो है अंतर को लेकर केंद्र निदेशक जो है यहाँ पर हलाकन है। 5 केंद्र पर शुक्रवार से इंटर की कॉपी जांच शुरू हो रही है। यानी कि आज से जो यहाँ पर शुरू हो रही है लगभग 3 लाख कॉपियों की जाँच जो है इन केंद्रों पर 15 मार्च तक जो है होनी है। 1,000 परीक्षक अब तक जिले में लगाए हैं। केंद्र पर परीक्षक से लेकर MPP की प्रतिनियुक्ति बोर्ड की ओर से ही केंद्रवार जो है गई है। केंद्र निदेशकों की परेशानी की सभी केंद्रों पर कॉपियों की संख्या लगभग एक समान ही है, लेकिन केंद्र पर परीक्षक और MPP की संख्या में कॉपी अंतर के गुरुवार देर शाम तक जो है कहीं 50 तो कहीं 70% MPP ने जो है यहाँ पर योगदान दिया। वही परीक्षकों के योगदान देने की संख्या कम रही, 30% परीक्षकों ने ही देर शाम तक योगदान दिया। बीच शाम में प्रधान सचिव ने मूल्यांकन केंद्रों पर तैयारी को लेकर शिक्षा अधिकारियों को एवं केंद्र निदेशकों को जो यहाँ पर साथ साथ समीक्षा की। जैसे हम यहाँ पर देख सकते बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो कॉपी जांच करने के लिए अपना सीट ग्रहण कल के ही डेट में कर लिया, शाम तक जो है अपना सीट ग्रहण कर लिया, अपना मूल्यांकन केंद्र पर पहुंच गए। बहुत सारे शिक्षक जो है 8 बजे तक जो है अपना मूल्यांकन केंद्र पर पहुंच जाएंगे कॉपी जांच करने के लिए। जैसे में यहाँ पर बताया गया कि जिला स्तर से DO कर सकते हैं प्रतिनियुक्ति। केंद्र निदेशकों को परेशानी पर DO को जिला स्तर पर प्रतिनियुक्ति का निर्देश बोर्ड की ओर से दिया गया है। DO अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा कि जिन केंद्रों पर परीक्षक या MPP कम है वहाँ प्रतिनियुक्ति की जाएगी। शुक्रवार को स्थिति देखने के बाद इस पर कार्रवाई होगी। प्रधान सचिव ने BC में मूल्यांकन केंद्र पर चेकर मेकर की व्यवस्था भी के साथ ही CCTV कैमरे इंटरनेट आदि की व्यवस्था को भी समीक्षा की है। यानी कि यहाँ पर सारा का सारा तैनाती जो है आप लोगों को मूल्यांकन केंद्र पर यहाँ पर रहेंगे। साफ साफ जो यहाँ पर जो है बिहार बोर्ड के अध्यक्ष जो है अनंत किशोर ने यहाँ पर ये निर्णय लिया है। देख सकते हैं यहाँ पर जो है आज से जो है आप लोगों की कॉपी की जाँच जो यहाँ पर शुरू है। 15 मार्च तक जो है आप लोगों की किसी भी हर हाल में जो है इंटर की कॉपी की जाँच जो यहाँ पर समाप्त कर देनी है। 2020 की रिजल्ट की बात करें इंटर की, तो 2020
2020 में जो है इंटर की रिजल्ट जो यहाँ पर 24 मार्च को जो यहाँ पर 7 बजे जो है यहाँ पर रिजल्ट को घोषित कर दिया गया शाम को। इंटर रिजल्ट 2020 के आधार पर यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि हो सकता है यहाँ पर 2021 के बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जो है इंटर का 24 मार्च को ही जारी कर दिया जाए। यहाँ पर आप लोगों की 24 मार्च को ही जारी कर दिया जाए, शाम तक देर शाम तक जो हो सकता है यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा बिहार बोर्ड द्वारा। तो यही जो है बिहार बोर्ड की तरफ से एक खबर निकल कर आ रही थी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरीका से। इसके रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।